नमस्कार, मैं हूं शुभे और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर्मेशन। बिहार में जो 63 घोटाले सत्यापित हुए हैं, क्या ये घोटाले भूतों ने किए हैं? ये सवाल हमारा नहीं बल्कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से। आपको बता दें कि बिहार में चुनाव संपन्न होने के बाद से आए दिन नए नए मुद्दों को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एक्टिव नजर आते हैं, कई सारी बातें कहते नजर आते हैं और इसी कड़ी में हाल ही में एक ठंडे बस्ते में पड़े हुए मुद्दे को फिर से उठाया गया, यानी कि कोरोना के मामले को। हालांकि ये मामला कहीं था ही नहीं, इसे अचानक से एक मीडिया रिपोर्ट के द्वारा उजागर किया गया जिसमें ये बात सामने आई कि कोरोना में जिस बात की जानकारी बिहार सरकार की तरफ से दी गई कि इतने टेस्टिंग हमारी ओर से किए गए, इतना ही नहीं राष्ट्रपति की ओर से बिहार को सम्मानित भी किया गया क्योंकि जिस तरीके से बिहार की रिकवरी रेट अच्छी थी और कोरोना की महामारी से लड़ने का जो तरीका था उसको लेकर बिहार सरकार को सम्मानित किया गया। लेकिन अचानक ही एक मीडिया रिपोर्ट आती है और सब कुछ पर पानी फिर जाता है। लगातार विपक्ष की ओर से ये सवाल खड़े किए जा रहे हैं और अब तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ये तक कह दिया है कि जो 2 करोड़ टेस्ट की बात आपने कही थी मुख्यमंत्री जी, वो भी कागजों पर, क्या उसमें से 60 या 70% भी सही है? इस बात की जानकारी अब तो दे दीजिए। पहले तो आप घोटालों से इनकार करते रहते थे लेकिन अभी तो ये कह दीजिए कि कम से कम ये घोटाले भूतों ने नहीं किए हैं। इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपने ट्विटर हैंडल से क्या कुछ लिखा है आपको बताते हैं। तेजस्वी ने लिखा है कि आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, अब तो बता दीजिए बिहार में कागजों पर हुए 2 करोड़ से अधिक कोरोना टेस्ट में कितने फीसदी फर्जी टेस्ट थे, 70 से 80% या उससे भी अधिक? बिहार में सरकार द्वारा सत्यापित अब तक हुए 63 घोटालों में आपकी कोई भूमिका ही नहीं है ना, सब घोटाले तो भूतों ने किए हैं। इसके अलावा उन्होंने अलग अलग जो अखबारों में छपी खबरें हैं उसको पेश किया है। सबसे पहली खबर जो उन्होंने दिखाई है वो पूर्णिया में 65,000 एंटीजन जांच किट गायब। दूसरी खबर JLNMCH में कोरोना टीका रजिस्ट्रेशन में फर्जीवाड़ा, अचानक घटी जांच की रफ्तार। भागलपुर इज लेटेस्ट ऑन टेस्टिंग रडार, 1400 एंट्रीज विद गैपिंग होल्स, स्ट्रिंग ऑफ जीरोस। फिलहाल की अगर बात की जाए तो हम सभी कहीं ना कहीं कोरोना महामारी से लगभग उभरने की कगार पर हैं। कोरोना के वैक्सीनेशन की शुरुआत भी हो चुकी है लेकिन अब ये बातें जब से सामने आई हैं कोरोना के मामलों को लेकर, जो फर्जीवाड़ा हुआ है, जो घोटाले हुए हैं, चाहे वो टेस्टिंग की बात की जाए या फिर इंजेक्शन की बात की जाए, अलग अलग तरीके की बात सामने आ रही है और इसको लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सवाल करते नजर आ रहे हैं। आपको कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने साफ पूछ दिया है कि ये जो 2 करोड़ टेस्ट की बात बिहार सरकार की तरफ से की गई थी, क्या इसमें 70 से 80% भी सच्चाई है या नहीं? इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कह दिया कि जो घोटाले हुए हैं क्या वो भूतों ने किए हैं, इस बात का जवाब आखिर आप क्यों नहीं देते? आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हर मुद्दे को लेकर लगातार बिहार सरकार को घेरते नजर आते हैं, कई सारी बातें कहते नजर आते हैं। इतना ही नहीं, अपर बढ़ते हुए अपराध की बात की जाए या फिर शिक्षा व्यवस्था की बात की जाए, बेरोजगारों की बात की जाए, यानी कि हर छोटे बड़े मुद्दे पर बिहार में वो सक्रिय दिखाई दे रहे हैं और जिस वक्त से इस कोरोना महामारी में हुए फर्जीवाड़े को लेकर खबर सामने आई है, बिहार के सियासी गलियारों में इसको लेकर खूब चर्चा हो रही है और विपक्ष इसको लेकर अपनी बयानबाजी लगातार कर रहा है। फिलहाल के इतना ही, ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ फॉर्मेशन। नमस्कार।